नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह। शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी से मिले बाबुल सुप्रियो, कहा सीएम ने मुझे दिल से काम करने और गाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बदल कर कोई इतिहास नहीं बना रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तृणमूल कांग्रेस के फैमिली में आपने कल देखा था, अभिषेक ने भी मुझे वेलकम किया और आज भी दीदी ने बहुत प्यार के साथ ना ही सिर्फ मिले, आने वाले दिनों में क्या कैसे काम करना है क्या है उसके बारे में भी बात हुई। और ये बट आज ही मंडे को ही इस टाइम पे मिलने का पहले से ही तय थी। और पट्टा जो है बहुत प्यार से उन्होंने पहनाना, फोटो वोटो खींचे, वो मुझे चाहते हैं कि मैं काम करूं। उसी भरोसे का, उसी प्यार का मैं पूरी मर्यादा रखने की कोशिश करूंगा। सप्ताह के पहले वर्किंग डे पर बारिश में डूबा कोलकाता, ऑफिस यात्रियों से लेकर दुर्गा पूजा के शॉपिंग पर भारी असर। कोलकाता के 11 स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश, अस्पतालों में भी घुसा पानी। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता संदीप त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। बारिश के कारण महानगर के कई इलाकों में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। हालांकि इस बीच एसएसकेएम हॉस्पिटल वहां के आयुर्वेदिक विभाग के ठीक सामने भी कुछ समय के लिए जलजमाव जो है बना रहा। इस कारण जो है जो मरीज पहुंचे थे आउटडोर के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो नगर निगम की टीम है और जो एसएसकेएम हॉस्पिटल की टीम है उन्होंने जो है बेहतर जो है समय बनाते हुए जल्द से जल्द जो है उस जलजमाव को दूर कर लिया। फिलहाल जो है जलजमाव की स्थिति नहीं है। राज्यसभा निर्वाचन के लिए त्रिमूल उम्मीदवार सुष्मिता देव सोमवार को नामांकन दाखिल करने विधानसभा पहुंची। यहां सुष्मिता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुष्मिता ने कहा कि त्रिपुरा में गत 3.5 सालों तक भाजपा ने कुछ भी काम नहीं किया। त्रिमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जिस तरह से त्रिपुरा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे भाजपा पचा नहीं पा रही है। बीजेपी 3.5 बच्चर कोनो काज करते पारे नहीं, ताई बोले ओरा एक बार ना बार बार तृणमूल कांग्रेस कर्मी अत्याचार कर पत्रपत्रिकार अफिस भांगचुर कर अभिषेक बाबुर रैली बार बार परमिशन बातिल कर भयर एक साइन। আর বিপ্লব দেব আগামী 1.5 বছরে 3.5 বছরে যে ক্ষতিটা উনি ত্রিপুরার করেছেন আগামী 1.5 বছরে সেটা উনি ঠিক করতে পারবেন না এবং তৃণমূল কংগ্রেসই বিকল্প হবে ত্রিপুরা। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় নে বারিশ মে লুঙ্গি পেহনকর ঘুটনে ভর পানি মে কিয়া ইলাকে কা দৌরা। লাগাতার হো রহি বারিশ সে পুরা রাজ্য হুয়া জলমগ্ন। महानगर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी है। यह हाल है लेक गार्डन इलाके का। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। बारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 नीमचंद मोइतई स्ट्रीट इलाके में एक पुराने गर्ल्स स्कूल के परित्यक्त इमारत का हिस्सा तेज बारिश के दौरान ढह गया। बताया गया कि इसे इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के लोग आतंकित हो उठे। वहीं देखा गया कि इमारत के एक हिस्से के गिरने से काफी दूर तक मलबा बिखरा पड़ा था। इमारत की जर्जर अवस्था को देखते हुए इस हादसे को लेकर दमकल विभाग को सूचना दिए जाने पर दमकल कर्मियों ने वहां आकर काम शुरू किया और मलबा हटाया जाने लगा। गंगा सागर मेला ग्राउंड के सड़क संख्या 2 के पास सोमवार की सुबह 10:45 के करीब उठे बवंडर ने करीब 2 मिनट तक भारी तबाही मचाई, जिससे मेला ग्राउंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बवंडर की चपेट में सागर पंचायत समिति के 20 कॉटेज और दर्जनों दुकानें आ गईं। नरेंद्रपुर थाना अंतर्गत करबाला माट इलाके में सोमवार की सुबह रासायनिक कारखाने में भीषण आग लगने से इलाके में आतंक फैल गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग के 3 इंजनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश दुनिया से जुड़ी खबरें। फाइजर वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित। क्लिनिकल ट्रायल में सामने आए नतीजे। कंपनी ने कहा कि फाइजर की वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। यह वैक्सीन इस उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी पर प्रभावी है। एक नजर डालते हैं धर्म से जुड़ी खबरों पर।
पितरों की पूजा का पक्ष 21 सितंबर के दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। श्राद्ध पक्ष हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो रहा है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहेंगे। पितृपक्ष पितरों का ध्यान और तर्पण की विधि की जाती है जिनके वजह से हम इस दुनिया में हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृगण देवताओं के समान ही आशीर्वाद और श्राप देने की क्षमता रखते हैं। इनकी प्रसन्नता से परिवार में उन्नति और सफलता आती है और नाराजगी से परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। पितृपक्ष इस बार 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है और अंतिम श्राद्ध 6 अक्टूबर को होगा। मनोरंजन से जुड़ी खबरें। बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रही उर्फी जावेद अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा का हिस्सा बनी रहती हैं। उर्फी इन दिनों अपने एयरपोर्ट लुक्स को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। मोजे से बनी ब्रा को पहनने के बाद अब उर्फी जावेद को एयरपोर्ट पर एक अजब लुक में देखा गया। अब तक के लिए इतना ही। इंतजार कीजिए रात 11 बजे तक। तब तक के लिए नमस्कार।